लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहें हमसे और सब्सक्राइब करें। सारी अपडेट अपने मोबाइल पर पाने के लिए ये बेल का बटन जरूर प्रेस करें। एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन से मिली समाज सेविका श्वेता दिवाकर। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान क्षेत्र में एक निजी शादी समारोह में शिरकत करने आई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पत्नी जसोदा बेन से हाथरस सांसद राजेश दिवाकर की पत्नी व समाज सेविका श्वेता दिवाकर ने मुलाकात की। सहज साधारण सी दिखने वाली जसोदा बेन अपनी निजी जिंदगी में भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की है। पूछे जाने पर श्वेता दिवाकर ने बताया कि जसोदा बेन से उनकी मुलाकात बहुत ही यादगार रही और जसोदा बेन ने आम घरेलू महिलाओं की तरह ही साधारण तरह की बातचीत भी की। तो मैं बाबूजी को थैंक यू बोलूंगी। मेरे पास कोई सूचना इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बाई चांस मैंने पेपर में तो पढ़ा हुआ था कि शायद उनका हाथरस की धरती पे आगमन होगा, लेकिन बाबूजी ने मुझे इन्फॉर्म किया, आदेश किया, तो मैंने उनका पालन किया। माननीय दिवाकर जी का ये आदेश था कि आप तुरंत पहुंचिए, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। और जब मैं उनसे मिली तो मुझे लगा नहीं कि वो आज देश को चलाने वाले हमारे बहुत ही डाउन टू अर्थ प्रधानमंत्री की वाइफ हैं। जिस तरह से वो डाउन टू अर्थ काम कर रहे हैं, और ऐसे ही वो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं बहुत बड़ी, मतलब बिना नहाए पूजा पाठ किए बिना कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करना, ये उनकी बहुत बड़ी खूबी लगी कि जिस क्षेत्र में उन्होंने कदम रखा इतने धार्मिक विचार उनके थे कि मैं गदगद हुई और मुझे अच्छा लगा और बहुत कुछ सीखने को मिला। इतनी सोबरनेस, इतना सादा जीवन जो एक इस स्टेज पे आके नहीं होता है, मोस्टली लोग बदल जाते हैं, चेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, लेकिन उनका जो जीवन था वो वाकई तारीफ़ काबिल था और बहुत अनुकरणीय था। ऐसा ही हम सभी लोगों को प्रेजेंटेशन देना चाहिए। नहीं, हम लोग ज़्यादा कुछ विशेष स्पेशल नहीं, जैसे दो महिलाएं जब मिलती हैं वो मेरी आदरणीय बड़ी थी, तो मैंने ऐसे रिगार्ड उनको अपनी मदर की तरह अपनी इस धरती पे आई, तो रिगार्डिंग एल्डर पर्सन होने के नाते रेस्पेक्टिव थी वो मेरे लिए एज ए मदर। तो बातचीत बस इसी विषय पे हुई कि वो सुबह से उनकी दिनचर्या क्या रहती है, सुबह से लेकर शाम तक की। अब वो इस समय रिटायर्ड हैं, पूरा अपना जो समय है पूजा पाठ में ही व्यतीत करती हैं। नथिंग स्पेशल, हमारा कुछ नहीं, हमारा तो केवल उनसे आपस में जैसे एक महिला दूसरी महिला से बहुत डाउन टू अर्थ मुलाकात करती है वो रहा, और फर्स्ट मेरी उनसे मीटिंग थी तो मुझे ये बस उनसे सीखने का मौका मिला। सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगी कि वो यहाँ हाथरस के लिए प्रेरणा बनकर गई हैं, बहुत कुछ सिखा के गई हैं कि हमें किस तरह से इतने बड़े पद पर आसीन होने के बावजूद, जिसकी वो वाइफ हैं और उनका जीवन इतना सादा सिंपल उच्च विचार वाला धार्मिक प्रकृति वाला है, तो ये हमारे लिए बहुत एक अच्छा वो छोड़ के गई हैं एग्जाम्पल। अपने आसपास हो रही किसी भी असामाजिक घटना को भेजें हमारे पास और बने समाज के प्रति जिम्मेदार। हम आपकी आवाज़ को पहुंचाएंगे महकमों से जुड़े जिम्मेदारों तक। हमें मेल करें support@tv30india.com पर या हमें व्हाट्सएप करें 9758766843 पर, और साथ ही TV30 डिजिटल मीडिया नेटवर्क के यूट्यूब चैनल TV30 को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।